सिक्स निफ्टी तो यही इंडिकेट कर रहा है कि आज हो सकता है हम थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव ओपन कर जाएं, क्योंकि 5 अंकों की अब गिरावट आ चुकी है। थोड़ी देर पहले 1/4% की बढ़त थी, तो सिक्स निफ्टी भी अपने आप में वॉलेटाइल है। और सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ बना हुआ है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन, ये बजट वाले का हफ्ता है। और साथ ही साथ इसमें आप ये भी समझेंगे, क्योंकि BSE की आज IPO की लिस्टिंग होने वाली है, तो ये भी ऐतिहासिक दिन के तौर पर ही होगा। विवेक महाजन हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक बार ये समझ लेते हैं, अगर हमने एक मौका मिस कर दिया है इस बजट की रैली का, अब क्या करना चाहिए? विवेक, क्या मार्केट आपको 9000 जाता हुआ दिखता है? अगर हाँ, तो मेरे को प्लस क्या करना है? मैं एक अपॉर्चुनिटी मान लीजिए मैं छोड़ चुका हूं बजट से ठीक पहले पोजीशन बनाने की, क्योंकि मैं डरता था, अब मैं बजट के बाद बनाना चाहता हूं, क्या खरीदूं और 9000 जाएगा बाजार? देखिए, पहले तो हमें देखना चाहिए कि वेदर दिस रैली इज गोइंग टू लास्ट और नॉट। वी बिलीव that the positive momentum as far as market is concerned is going to continue. जो ये structural reform आए हैं, they are very positive. Market was expecting के जो long term capital gains है उसके ऊपर tax लगेगा, that has not come. Local market में equity remains the best asset class as money in future we believe will not go into real estate. Bank FD rates have come down significantly, so there is no option but to come to equities. पिछले 3-4 महीनों में हमने देखा है कि लोकल मार्केट में ओनली डोमेस्टिक पैसा आया है, अभी जो FIIs है उसने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। एज इंडिया इज इन ए पोल पोजिशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पोस्ट यूनियन बजट, एज FIIs टर्न देयर अटेंशन टू इंडिया एंड स्टार्ट पुटिंग मनी, वी बिलीव द मार्केट विल गो अप सिग्निफिकेंटली, और हमें लगता है कि इट इज स्टिल टू गो इन टू ए ब्लो आउट फेज। मार्केट में मैसिव मिस्ड आउट फीलिंग हो रही है। We believe the stock specific opportunity in the marketplace is likely to continue. Cement and chemical are two areas which still offer upside potential from current level. Some of the top picks that we have in cement space at this point of time include OCL and Birla Corp. In chemical, हमें लगता है कि there is going to be a multi-year growth story. Some of the stocks we are focusing or recommending to our customers include Phillips Carbon, Oriental Carbon, एज ऑल्सो आरती इंडस्ट्रीज। जी सुनील, ग्रे मार्केट के हिसाब से तो BSE की आज 200 रुपए के प्रीमियम पर लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन 2-3 सवाल होंगे इससे जुड़े हुए। पहला तो ये कि कैसी लिस्टिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या करना चाहिए उन लकी रिटेल इन्वेस्टर्स को जिनको इस IPO में शेयर्स अलॉट हो गए हैं, और जिनको नहीं अलॉट हो पाए हैं या फिर जिन्होंने मिस कर दिया है ये IPO के लिए सब्सक्राइब करना, क्या लिस्टिंग के बाद वो देख सकते हैं? देखिए, BSE का IPO आई थिंक थोड़ा एक अलग तरीके से देखना चाहिए, रादर देन जस्ट एक फाइनेंशियल टर्म्स पे। अगर आप प्योर फाइनेंशियल टर्म्स पे देखेंगे तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक्सक्लूडिंग CDSL और जो दूसरे उसके बिजनेस है वो इतने कोई ग्रेट नहीं है, ऑपरेशनली कोई बहुत ज़्यादा कमाई नहीं कर रहे हैं। बट लेकिन दिस इज़ एन अपॉर्चुनिस्टिक बिजनेस, आज की डेट में एक एक्सचेंज और मोर ऑफ ड्यूअल जो दो जन की लीडरशिप वाला बिजनेस है, और फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी इस बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर सपोज करो जैसे डेरिवेटिव NSE के लिए काफ़ी जोर से सक्सेसफुल रहा, ऐसा ही कोई प्रोडक्ट अगर BSE के लिए कोई सक्सेसफुल होता है तो BSE के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी खोलता है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को कोई शॉर्ट टर्म व्यू से नहीं लेना चाहिए या रखना चाहिए, इसे एक लॉन्ग टर्म व्यू रख के थोड़ा इसको सीजन्स करना चाहिए, और एक लंबे पीरियड के लिए इसमें अगर दिमाग लगाएंगे तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकती है। बट इसमें अपॉर्चुनिटी कोई 1 महीना 2 महीना 5 महीना या कंसिस्टेंट नहीं होगी, जब होगी तब एक साथ में बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके और इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसे एक 2-3-4 ईयर के व्यू से रखना चाहिए। ठीक है, 2-3 साल आप इसको जरूर रखें। वैसे तो आपको आज भी मिल जाएगा, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपको टर्मिनल पे बिल्कुल बैठना होगा, पहले ही टिक पहली उंगली आपको दबानी होगी, तो शेयर आपके पास हो सकता है थोड़ा सस्ते ही आ जाए। सिमी, एक और शेयर देखिए आइडिया, साथ में मैं एक और शेयर भी इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, वो है भारती इंफ्राटेल। ये दो शेयर है, दोनों की स्टोरी ऑल टुगेदर अलग है।
एक बड़ा बेनिफिशियरी है कंसोलिडेशन का और एक बड़ा नेगेटिव हुआ है इस कंसोलिडेशन का दोनों में, क्योंकि मेरे को ये समझ में कुछ नहीं आता कि मेरे को करना क्या, मेरे को समझ में आता है कि मेरे अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे। आइडिया बहुत चल चुका है, इसको मैं शॉर्ट करूं क्योंकि एक नेगेटिव खबर मेरे को दिखी क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट से कि मर्ज एंटिटी को हो सकता है स्पेक्ट्रम वापस करना पड़ जाए। एक पॉजिटिवनेस मेरे को ऐसा दिख रहा है कि भारतीय इंफ्राटेल कई दिनों से टूट रहा है, एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है बेस के बाद पुल बैक आने का। मैं भारतीय इंफ्राटेल को प्लस करूं, आइडिया को बेचूं या दोनों में कुछ भी नहीं करूं? देखिए आपका क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो आइडिया में जो स्ट्रेंथ था, जो शॉर्ट टर्म पोटेंशियल है, मुझे लग जैसे ये जो वीकनेस था वो वीकनेस नेगेट करके ऊपर आ चुका है, उसके बाद टेक्निकली आइडिया में कोई वीकनेस नहीं है। हाँ, न्यूज़ के चलते थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है, पर मेरा जो ओवरऑल व्यू है अभी आइडिया के लिए 100 से 98 ये एक क्रूशियल सपोर्ट होगा आइडिया के लिए। अगर आइडिया नीचे भी आता है आज के दिन तो भी अगर उस रेंज के आसपास आइडिया सपोर्ट लेता है तो वापस हम लोगों को बाई कॉल ही देना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो डायरेक्शनल चेंज हुआ है ये बहुत जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इतना चलने के बाद, आज फ्राइडे का सेशन है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक हो सकता है वापस 105-4 के आसपास आके सेटल कर जाए, पर 98 से 100 का रेंज काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट है, वो याद रखना पड़ेगा, और उससे नीचे नहीं जाएगा तो इसमें कोई फ्रेश वीकनेस नहीं आएगी। रहा सवाल भारतीय इंफ्राटेल की, इसमें भी सेम पोजिशन हो सकता है, मतलब आज फ्राइडे है इसलिए ये रिकवर कर सकता है, पर इसमें कोई एटलीस्ट जब तक ये 300 के ऊपर जाके डिसाइसिवली क्लोज नहीं करता है तब तक इंट्राडे का पोजीशन इंट्राडे में ही क्लोज करके जाना चाहिए, कोई भी बाइंग डिलीवरी उठा के कैरी फॉरवर्ड मंडे के लिए नहीं करना चाहिए। जी, अब आज का टुडे ट्रेड भी जान लेते हैं। एक स्टॉक जिसको आप टेक्निकल और पोजिशनल दोनों ही व्यूज के साथ अप्रोच कर सकते हैं, डिम्पी से जान लेते हैं आज का टुडे ट्रेड। बताइए डिम्पी, कौन सा स्टॉक है? शुगर स्पेस पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, उसमें शक्ति शुगर है। एक्चुअली ये प्योर शुगर प्ले नहीं है, इसके अंदर एक एल्कोहल का प्ले भी है, इसके अंदर पावर कारोबार का प्ले भी है और सोयाबीन के बिजनेस में भी ये कंपनी है। तो एक तो पूरी तरह से प्ले शुगर का नहीं मिलेगा आपको, कंसोलिडेटेड कमोडिटीज प्ले मिलेगा जो कि साइक्लिक इन नेचर है, अपनी थीम के साथ चल रहे हैं। बजट इवेंट था जो कि मार्केट के अंदर आया, बाजार को तेज करके चला गया, लेकिन ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो अपने आप अपने दम पर चलते हुए दिख रहे हैं। अब आप इसके थोड़े कुछ और नंबर्स देखें। सप्लाई में कमी से कीमतें लगातार तेज बनी हुई इनके अलग अलग वर्टिकल्स में, जिसमें भी ये काम करते हैं, चाहे सोया है, चाहे शुगर है, चाहे एल्कोहल है, या फिर पावर को लेकर जो भी गतिविधियां हमने तेज होते दिखी हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आने का अनुमान है, तो हमने देखा भी है कि जो भी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ रही है उसको अच्छा स्ट्रांग मूव भी मिलता है। ऑपरेटिंग घाटे से मुनाफा दे सकती है कंपनी, और पिछले 3 साल में कंपनी ने कर्ज को ऑलमोस्ट आधा कर दिया। मार्केट को जहां जहां चिंता है ये वही सेगमेंट अपने ठीक कर रही है, तो इसलिए इसको टुडेज ट्रेडिंग की कैटेगरी में डाला जा सकता है और करीब 46.50 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करें। स्टॉप लॉस आप 41 रुपये का रख सकते हैं। इस बीच हमारे साथ सुनील भी बने हैं। सुनील, शुगर स्पेस के अंदर जिस तरह का मूव हम देख पा रहे हैं, ये प्राइसिंग अभी भी शायद ऐसा लग रहा है कि हम डिस्काउंट पे ही चल रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम मूव और जो स्ट्रेंथ दिख रही है, शायद हो सकता है 20% का रिटर्न और भी मिल जाए। ऐसी देखिए, ये कमोडिटी प्ले है और इसको आपको कंसिस्टेंटली वॉच करते रहना पड़ता है। जिस तरीके से कमोडिटी प्राइजेस का मूवमेंट होता है उस तरीके से शेयर्स के प्राइजेस बढ़ते रहते हैं। शुगर एज पर से अगर इंडियन साइड देखेंगे तो इस साल के सीजन में शुगर का प्रोडक्शन डेफिनेटली शॉर्ट है और जो इनिशियल एक्सपेक्टेशन था 23 मिलियन और उससे भी कम आ रहा है, अराउंड 21.5 मिलियन रिवाइज किया हुआ एस्टीमेट है। तो दिस विल क्रिएट समवेयर सम फॉर्म ऑफ शॉर्टेज इन इंडियन मार्केट और वो शुगर प्राइजेस को और भी ऊपर लेके जा सकता है। ओनली केवियट इसमें दो है, एक तो अभी जो यूपी में इलेक्शन चल रहा है उसके कारण हो सकता है कि ये प्राइसेस नियर टर्म में सबड्यूड रह रही है, और दूसरा चीज़ ये है कि कहाँ पर गवर्नमेंट इस चीज़ के अगेंस्ट में कोई एक्शंस इंपोर्ट लेती है तो उसमें वहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये दो कैवियट के अलावा अगर शुगर इंडस्ट्री अगर देखें तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट सिक्स मंथ के लिए एटलीस्ट इज़ लाइकली टू डू वेल, उसके बाद में उसका फीचर से वो नेक्स्ट ईयर के प्रोडक्शन पर शिफ्ट हो जाएगा।
एक बार एटलस साइकिल शुगर कंपनियों के लिए आउटलुक पॉजिटिव जी, शुगर कंपनीज पर आउटलुक पॉजिटिव है और शक्ति शुगर्स है आज का टुडे ट्रेड। लेकिन एक बार एटलस साइकिल्स को देख लेते हैं, क्योंकि दिसंबर एंड से मिड जनवरी तक एटलस साइकिल का शेयर कार की स्पीड से दौड़ा था, 350 से दौड़ते हुए 750 तक गया। तब से ही ये मिड जनवरी ऑनवर्ड्स ये कंसिस्टेंटली थोड़ा नीचे आया है। और अब आप अर्निंग्स देखेंगे तो काफी डिसअपॉइंटिंग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। घाटा 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ रहा है। और अगर आप इसका एबिटा फ्रंट पर इस परफॉर्मेंस को देखेंगे तो घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। एबिटा फ्रंट पर 1.25 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 0.2 करोड़ का घाटा कंपनी को हुआ है। और ओवरऑल नेट लॉस तो हमने आपको बताया है कि ये 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ रहा है। ब्रिजेश, एटलस साइकिल पिछले कई सत्रों से लगातार नीचे आ रहा है, 750 का हाई टच करने के बाद अभी 500 के लेवल पर आ चुका है। अब अर्निंग्स भी खराब आए हैं, तो क्या प्रॉफिट बुकिंग और यहां से स्ट्रेच हो सकती है? देखिए दीपाली जी, ओवरऑल रैली जो थी वो लगभग 315-317 से इसमें देखने को मिली थी। वाज अ वन वे स्विंग अप द लेवल ऑफ 692। वहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग है इसमें आई है, मौजूदा चार्ट को देखे तो ऐसे ही लगता है कि इसमें और गुंजाइश बाकी है नीचे जाने के लिए। अगर हम डीपर सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग 420 से 440 का लेवल आ रहा है जो इसका पिछला स्विंग था, वहाँ पर आके ये रुकेगी। अगर अपसेट की मैं बात करता हूँ, जब तक स्टॉक 540 के ऊपर या 545 के ऊपर ऑन क्लोजिंग बेसिस ट्रेड नहीं करता है तब तक तो मेरा मानना यही है चार्ट के अनुसार कि हर रैली इसमें बिकवाली ही आपको देखने को मिलेगी। और जैसे मैंने कहा कि 440 का जो लेवल है वहाँ आके एक बार ये रुक सकता है, वहाँ एक सपोर्ट एक है कि वहाँ से दोबारा एक अपस्विंग देखने को मिलता है। टिल द टाइम अगर वो लेवल नहीं आता है सो सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे।